गर्मियों के मौसम में हम बच्चों को बाहर का खिलाना थोड़ा कम करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसमें ही एक ऐसी रेसिपी जिंदगी पार्सल जो कि डोमिनोज का होता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। लेकिन घर पे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा कम खर्च में आप इसे घर पर बना पाएंगे। तो जी, मैं हूँ आपकी शेफ तरुणा बिल्लर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बना रहे हैं डोमिनोज स्टाइल जिंगी पार्सल। तो चलिए देखते हैं कि बनाते कैसे हैं। जिंजी पार्सल बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो लगाना होगा। डो लगाने के लिए मैंने यहाँ पे पानी लिया है और पानी को हल्का गुनगुना किया है। टच करके देख सकते हैं, हल्का गुनगुना ही चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो हमारा ईस्ट डेड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको सिर्फ टच करके देखना है, हल्का आपको ल्यूकवॉर्म लगना चाहिए। इसी में हम डाल देंगे 1 TSP जितना शुगर, ग्रेनुलेटेड शुगर ही लिया है मैंने, और इसी में हम डाल देंगे 1 TSP जितना हमारा ईस्ट। ये मेरा ड्राई ईस्ट है, इंस्टेंट वाला, कोई भी ड्राई ईस्ट आप ले सकते हैं। इसको हम डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसे इस तरह से कवर करके 4-5 मिनट के लिए छोड़ दें, तब तक हमारा ईस्ट राइज हो जाएगा। 2 मिनट हुए हैं, आप देख सकते हैं इसे फ्रॉथ आने लगा है। अगर आप इसे ज़्यादा देर छोड़ेंगे तो ज़्यादा फ्रॉथ आएगा, इसका मतलब हमारा ईस्ट सही है, ये प्रॉपर से राइज हो रहा है। अब हम इसमें बाकी के इन्ग्रीडियंट डाल देते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ मैदा, इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे ऑयल। पहले इसे मिक्स करेंगे, फिर जितनी ज़रूरत होगी उतना हम पानी और लेंगे। इसका जो डो है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाया जाता है, सॉफ्ट डो ही लगाया जाता है। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी हम मिक्स करेंगे। इस डो को हमें रेस्ट भी देना है, तो रेस्ट देने के बाद भी थोड़ा लूज हो जाएगा, तो उस हिसाब से ही आप इसको लगाएं। अभी जो हमारा डो है बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है, बहुत लूज़ भी नहीं है। मैंने 1/4 कप पानी लिया था, उसमें भी हमारा 1 टेबल जितना बच गया है। इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे ले लेंगे क्लीन सरफेस पर। इस डो को नीचे क्लीन सरफेस पे ले लेना है। मेरा जो स्टैंड है वो वाइट कलर का है, तो मे बी आपको कैमरे में नज़र ना आए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये बोर्ड ले लिया है और इस पर हम इसको नीड करेंगे। बिल्कुल इस तरह से आपको नीड करना है, एक हाथ से स्ट्रेच करना है, वापस इसको इकट्ठा करना है। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो डो है बिल्कुल फटाफटा टेक्सचर का है। ये जब तक एकदम स्मूथ ना हो जाए, इसमें ग्लूटन डेवलप ना हो जाए, तब तक हम इसको नीड करेंगे। अभी आप देखेंगे तो नीचे चिपक भी रहा है ये, तो जैसे जैसे ये नीड हो जाएगा अच्छे से, तब वैसे वैसे ही चिपकना भी बंद हो जाएगा। नीड करते करते आप देख सकते हैं बिल्कुल ये डो एकदम स्मूथ हो गया है, जो फटा टेक्सचर था वो ख़त्म हो गया है। तो अब इस स्टेज पे इसका इस तरह से गोला बना लेंगे हम, बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से बोल बनाने के बाद हल्का हल्का ऑयल इस पे लगा दें, बहुत हल्का, और एक बोल में इसे ले लें। अब इसे अच्छे से क्लीन रैप से कवर करके राइज होने के लिए छोड़ना है। राइज होने का जो टाइम है वो हमेशा सेम नहीं होता है, क्योंकि कितना टेम्परेचर है, कितनी गर्मी है, उस हिसाब से इसका जो है टाइमिंग डिसाइड होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये डबल साइज में हो जाए तब तक इसे राइज करना है। डो को हमने रेस्ट दिया है, तब तक हम इसका फिलिंग तैयार कर लेते हैं, ताकि ये भी ठंडा हो जाएगा। उसके लिए मैंने यहाँ एक पैन में बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें डालेंगे गार्लिक, जैसे गार्लिक थोड़ा सौते हो जाए हम इसमें डाल देंगे अनियन फाइन चॉप किया हुआ, जैसे ही प्याज थोड़ा पिंकिश हो जाए हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम। जनरली इसमें सिर्फ ग्रीन वाला यूज़ किया जाता है, लेकिन हम घर पर बना रहे हैं तो हम बेल पेपर भी इसमें यूज़ करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। कैप्सिकम भी थोड़ा सा ट्रांजी हो जाए, यानी कि थोड़ा सा सौते हो जाए, फिर हम इसमें डालेंगे स्वीट कॉर्न। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, तो ये फिलिंग आपका बिल्कुल ऑयली नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें मेयोनीज डालने वाले हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पनीर इस तरह से चॉप किया हुआ। अब हम इसमें डालेंगे सीजनिंग, उसके लिए थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हो, थोड़ा सा ऑरेगानो, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा टोमेटो केचप, उसी के साथ ही थोड़ा सा मेयोनीज। अच्छे से
सब चीज़ें मिक्स हो जाए, गैस ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद ही हम इसको फिल करेंगे हमारे डो में। पूरे 40 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारा जो डो है वो राइज होके बिल्कुल डबल वॉल्यूम में हो गया है। अभी इसको पंच करके इसका एयर निकालेंगे हम। आप देख सकते हैं पहले से भी ये थोड़ा सा लूज हो चुका है। मैंने इस तरह से 5 पोर्शन में इसको डिवाइड कर लिया, यानी कि 5 पार्सल हमारे रेडी होंगे। और इस तरह से इसके राउंड बना लें, बिल्कुल इस तरह से। इसको हम रोटी की तरह ऐसे बोल्स नहीं बनाते हैं। इसको नीचे रखने के बाद इस तरह से आप घुमाएंगे तो एकदम मज़ेदार से आपके बोल्स रेडी होंगे। अब हम यहाँ पे एक बोल ले लेते हैं, बाकी के बोल्स को आप कवर करके रख लें। हल्का सा इस तरह से मैदा डस्ट कर लें, फिर इसे रोल कर लें। इस तरह से एकदम राउंड मैंने रोटी की तरह, पूरी की तरह बेल लिया है। करीबन 5 से 6 सेंटीमीटर का आपका होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। बिल्कुल इस तरह से 3 कोने इसके फोल्ड होने चाहिए। थोड़ा सा प्रेस कर लें इसको। अब यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से नीचे मोज़रेला चीज़ रखें आप। चीज़ कितना रखना ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। करीबन यहाँ पे मैंने 1 टेबल जितना चीज़ रखा है। जो फिलिंग हमने प्रिपेयर किया था वो ठंडा होने के बाद हम इसमें स्टफ़ करेंगे। बहुत ज़्यादा जब हम लिक्विड रखते हैं हमारी फिलिंग को, यानी कि हम इसमें सॉसेज ज़्यादा डाल देते हैं, तो जब हम इसको बेक करते हैं तो वो बाहर निकलता है। इस तरह से थोड़ा ही आपने रखना है। अगेन ऊपर से थोड़ा और मोज़रेला हम रखेंगे। हम इसको इस तरह से ऊपर उठाएंगे और दूसरे वाले को इसके ऊपर लाएंगे। वैसे ये डो इतना सॉफ्ट है कि बहुत आसानी से ये चिपक जाएगा, फिर भी ना चिपके तो आप बहुत थोड़ा सा यहाँ पानी लगा करके और फिर इसको चिपका सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने परफेक्टली हमारे जो है ये शेप रेडी हुए हैं, जिंजी पार्सल एकदम मज़ेदार से। अब ऐसे ही हम सारे प्रिपेयर कर लेते हैं। मैंने इस डो से 5 किए हैं, अगर थोड़ा छोटा आप करेंगे तो 6 भी बन जाएंगे। मैंने सारे इस तरह से बना के बेकिंग ट्रे में इन्हें रख दिया और रखने से पहले नीचे मैंने थोड़ा बटर लगाया था। अब ऊपर एक अच्छा सा कलर आए उसके लिए हम मिल्क वॉश लगाएंगे, यानी सिर्फ मिल्क लिया है इसको हम ब्रशिंग कर देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा गोल्डन आएगा। अब हम इन्हें बेक करने के लिए रखेंगे 180 डिग्री पर, अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तब तक करीबन 15 से 20 मिनट के लिए। हमारे जो पार्सल है रेडी हैं, पूरे 20 मिनट लगे हैं और यहाँ पे हम बटर से थोड़ी ब्रशिंग कर देंगे। जब भी इनको सील करते हैं स्पेशली ध्यान रखना आप, ये वाला देख सकते हैं थोड़ा सा इसका सीलिंग खुल गया, तो अच्छे से थोड़ा मेल किया पानी लगा के सील अच्छे से करें। तो देखा आपने कितनी आसानी से कम खर्च में हमने जिंगी पार्सल घर पर बना लिया, और ट्रस्ट में उससे कहीं ज़्यादा बेटर आपको लगेंगे। जब गर्मा गर्म आप खाएंगे ना तो मुझे ज़रूर याद करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे आप लोगों से ऐसी कुछ और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।